करप्शन इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तानियों का फेमस स्लोगन है करप्शन से रिलेवेंट आई थिंक, से नो टू करप्शन। कुछ करप्ट ऑफिसर्स ने ना इसको उल्टा समझ लिया, उनका मतलब ये समझा कि करप्शन को कुछ नहीं कहना। जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ये डिफाइन करती है कि आपके कंट्री का रैंक कौन सा है ओवर 180 कंट्रीज, 180 ममालिक में से आपका कंट्री कौन से रैंक पर फॉल करता है, प्लस आपके कंट्री का स्कोर क्या है। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2020, पाकिस्तान का रैंकिंग मजीद 4 दर्जे डाउन। सबसे टॉप पर कौन, सबसे डाउन कौन, जानने के लिए स्टे ट्यून। जी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद जी, आई एम पखायर अगले, वेलकम वेलकम टू इंफोटेनमेंट है, दिस इज योर चैनल, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त वसीम अहमद। जी करप्शन, नो डाउट कि ये एक ऐसा नसूर है कि जब किसी भी कंट्री को लग जाए तो वो कंट्री को दिवालिया होने से सिर्फ अल्लाह ही बचाए, उसके अलावा और उसका खुदा हाफिज। CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 रिपोर्ट, या सेकंड वर्ड्स में ट्रांसपेरेंसी, या सेकंड वर्ड्स में आप इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट भी कह सकते हैं। ये जो इदारा है ये टोटल 180 कंट्रीज के ऊपर रिपोर्ट शाया करता है हर साल, उन्हें रैंक करता है, उन्हें स्कोर देता है कि आपका कंट्री कौन से नंबर पर रैंक कर रहा है, प्लस आपके कंट्री का स्कोर कितना है एज अ करप्शन फ्री कंट्री। हर आने वाले साल कंट्रीज की रैंकिंग और स्कोर अप डाउन होते रहते हैं, कुछ इम्प्रूव कर जाते हैं तो कुछ फॉल कर जाते हैं। बदकिस्मती से हमारा कंट्री एज कम्पेयर टू 2019 के मुकाबले में इम्प्रूव करने की बजाय डाउनफॉल चला गया, नीचे चला गया। हालांकि नैब इतना इफेक्टिव काम कर रही है, लेकिन अगेन वही करप्शन फ्री एलिमेंट्स जो कि करप्शन करने में ऐसा समझते हैं कि दिस इज द ओवर राइट, कि हम इस पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें करप्शन किए करने दिया जाए, इसलिए वो स्लोगन को भी उल्टा लेती है, से नो टू करप्शन, मतलब करप्शन को कुछ नहीं कहना। तो आते हैं बात करते हैं कि जी हमारा कंट्री की प्रीवियस ईयर कौन से इंडेक्स पे था और इस साल कौन से इंडेक्स पे है। तो 180 कंट्रीज में रैंकिंग होती है, हर किसी को रैंक दिया जाता है, आप ऐसा कह लें कि पोजीशन अलॉट की जाती है कि जी आपका नंबर ये है, आपका नंबर ये है। तो नंबर वन पर जो 2020 की रिपोर्ट में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में नंबर वन पर दो कंट्री फॉल कर गए, ऐसे कंट्री के जिनका स्कोर आउट ऑफ 100 और जिनका रैंकिंग आउट ऑफ 180 क्या है, डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड। जी डेनमार्क एंड न्यूजीलैंड दो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि 2020 रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों का स्कोर भी सेम है और रैंक भी सेम है, रैंक ओवर 180 कंट्रीज में नंबर वन का स्कोर है आउट ऑफ 100 में से 88। जी 88 स्कोर है आउट ऑफ 100 में से और रैंक है नंबर वन ओवर 180 कंट्रीज। नंबर सेकंड पे आते हैं यूके एंड कनाडा, ये दो ऐसे ममालिक हैं जिनका स्कोर है 77 और इनका रैंक है 11 ओवर 180 कंट्रीज, मतलब कि न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क के बाद जो के रैंक में हाईएस्ट हैं वो हैं यूके एंड कनाडा जो कि 11 नंबर पर है ओवर 180 कंट्रीज, प्लस इनका स्कोर है 77 ओवर 100। देन आते हैं जापान, जापान का स्कोर है 74 ओवर 100 एंड रैंक आता है 19वां रैंक है ओवर 180 कंट्रीज में। देन यूएई, जी 71 स्कोर है और 21 रैंक है, 21 ओवर 180 कंट्रीज। देन अब बात कर लेते हैं सुपर पावर, नो डाउट कि जो सुपर पावर खुद को कहलाता था अब उसके मुकाबले में चाइना आ गया है, तो पहले कौन था, यूएसए। यूएसए कितना करप्शन फ्री है वो आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि इसका स्कोर आउट ऑफ 100 है 71
जी 71 स्कोर है और रैंकिंग है इसकी 25 out of 180। देन हमारा दोस्त ममालिक सऊदी अरबिया, नो डाउट कि कितना ब्रादराना रिश्ता है हमारा इसके साथ। इसमें करप्शन में इसको स्कोर मिले हैं, करप्शन फ्री में सॉरी 53 out of 100 और इसका रैंक आता है 52 out of 180। देन हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, नो डाउट कि यार सच में चाइना के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है सी पैक अजीम मिसाल, इसका स्कोर है 42 out of 100 एंड इसका रैंक है 78 out of 180। जी 78 out of 180। देन बात कर लेते हैं अपने नेशन की, पाकिस्तान की। पाकिस्तान का 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2019 की रिपोर्ट थी, इसमें इसका रैंक था 120 out of 180, 120वां नंबर था 180 ममालिक में से। 180 ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान 120 नंबर्स पर रैंक कर रहा था 2019 में। लेकिन बदकिस्मती से वही ना मैंने कहा, जैसे ऑलरेडी कहा कि कुछ इंप्रूव कर जाते हैं तो कुछ डाउनफॉल चले जाते हैं, तो पाकिस्तान 4 दर्जे डाउनफॉल चला गया। पहले 120 पे था, होना तो ये चाहिए था कि 120 से भी नीचे जाता, 120 से भी ऊपर जाता, 119 पे आता, 118 पे आता, 117 एंड सो ऑन, लेकिन ये ऊपर चला गया। मतलब कि करप्शन पाकिस्तान में पिछले एक साल में 2019 की कंपैरिजन में 2020 में बढ़ी है। जी करप्ट एलिमेंट्स ने करप्शन इस साल पिछले साल 2019 के मुकाबले में ज्यादा की है। कितनी ज्यादा की है एग्जैक्ट फिगर भी आपको बताता हूं, लेकिन 2019 में 120 रैंक था और 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 124वां रैंक मिला है ओवर 180 कंट्रीज में। और इसका स्कोर इस साल के मुताबिक 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 31 स्कोर है, 31 स्कोर है आउट ऑफ 100। अब जरा अपना जिससे हम तो चाहते हैं कि जिससे दोस्ताना रिलेशनशिप कायम हो, लेकिन वो नहीं चाहता, समझ तो गए होंगे, प्रोसिन मालिक इंडिया। इंडिया की बात कर लें तो यार करप्शन के लिहाज से पाकिस्तान के 4 सूबे, इंडिया में मोर देन 32 प्रोविंसेस हैं, 32 सूबों से बड़ा मुल्क है इंडिया, तो इसका मतलब है कि इसमें करप्शन भी हमसे ज्यादा होनी चाहिए थी। जाहिर बात है ना कि अगर आपका एक छोटा सा घर है और एक बहुत बड़ा महल है, तो घर में छोटे लेवल पर करप्शन होती है और महल में बड़े लेवल पर करप्शन होती है। लेकिन बदकिस्मती, जी सीरियसली बदकिस्मती हमारी, कि जिसको हम अपना कंपटीटर कहते हैं, जिससे कंपीट करना चाहते हैं, हर लिहाज से कंपीट तो कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन करप्शन में इससे पीछे हैं और बहुत पीछे हैं। इंडिया का स्कोर 2020 के मुताबिक 40 हुआ है, 40 40वां नंबर, 40 नंबर मिले हैं इसको आउट ऑफ 100 में और हमें मिले हैं 31 और इसका रैंक है 86 out of 180। मतलब टॉप 90s में फॉल कर रहा है और हम जा रहे हैं 124वें पे, पिछले साल से भी पीछे चले गए, 4 दर्जे नीचे रैंकिंग गई है हमारे। तो हम कितना करप्शन कर रहे हैं यार हमारे अपने कंट्रीज में, जिस मुल्क के साथ कंपीट करना चाह रहे हैं और करते भी हैं, तो उस मुल्क के साथ हमारा कंपैरिजन क्या है, वो टॉप 90s में फॉल कर रहा है और हम पिछले साल से भी 4 दर्जे नीचे चले गए। ये जो रिपोर्ट होती है ना, ये ऐसी ही है कि जैसे कि आपका कोई बेबी है, चाइल्ड है, वो स्कूल जाता है, तो हर साल ईयरली रिपोर्ट आती है, उसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है कि जिसमें बताया जाता है कि हाँ आपके बेबी की या चाइल्ड की प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, क्या वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, परसेंटेज उसकी इम्प्रूव हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कमी की तरफ जा रही है। तो ग्लोबली जब ये रिपोर्ट इशू होती है तो आपकी कंट्री स्पेसिफिक, आप जिस भी कंट्री से रिलेट करते हैं, तो आपकी कंट्री को जब कंपैरिजन किया जाता है प्रीवियस ईयर से आपके डाटा को, कंट्री डाटा को, तो देन ऑल अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली
आपकी बेइज्जती होती है जी। ये शर्म की बात है कि हमें बाहर वाले नेशन करप्शन नेशन कहते हैं, करप्ट नेशन कहते हैं कि जी यहाँ पे करप्शन बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? पिछले साल के मुताबिक जी, पिछले साल के सर्वे के मुताबिक, क्योंकि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसके जो ऑफिसेज हैं मोर देन 100 कंट्रीज में एक्टिव हैं, 100 से ज़्यादा ममालिक में इनके एक्टिव ऑफिसेज हैं जिसमें हमारा पाकिस्तान भी है, कराची। तो जिन जिन नेशंस में इनके ऑफिसेज हैं तो यहाँ वहाँ पर ये लोकल सर्वे भी कराते हैं कंट्री टू कंट्री, वहाँ से पूछते हैं कि करप्शन लेवल आम पब्लिक से पूछा जाता है कि कितनी बड़ी, प्लस करप्शन का जो मेन सोर्स होता है ब्राइब, रिश्वत। रिश्वत की रेशियो पिछले साल में 2019 से 2020 में किस लेवल तक बढ़ गया? लोकल सर्वे के मुताबिक जो फर्स्ट ऑफ ऑल करप्शन है 35% इंक्रीज हुई है पाकिस्तान में, 35%। ये मैं नहीं कह रहा, ये इसी रिपोर्ट, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट है इसने ही शाया किया है, कंट्री टू कंट्री शाया करती है। आप खुद भी इसकी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, transparencyinternational.org इसकी वेबसाइट का लिंक है, आप खुद चेकआउट कर लें। हर कोई अपनी कंट्री का चेकआउट कर सकता है। और प्लस ब्राइब जो कि मेन सोर्स है इसको ऊपर ले जाने में करप्शन को, क्योंकि करप्शन है क्या, वो भी ये वेबसाइट ही बताती है कि करप्शन इसके नजरिए के मुताबिक क्या है। करप्शन एज ए अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन, मतलब कि जाती मफाद के लिए आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें, जो लीगली आपको अथोराइज की गई है पावर उसका आप अपने जाती मफाद के लिए, तो ऐसे ही तो होता है पाकिस्तान में। मतलब एक जेन्युइन केस के लिए भी फाइल को आगे ले जाने के लिए रिश्वत, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ले जाने के लिए, एक रूम से इवन दूसरे रूम ले जाने के लिए फाइल को जस्ट आपको पैसे देने पड़ते हैं, ब्राइब। तो ये ब्राइब लेवल 25% बड़ा है, 1/4 पाकिस्तान में ये बड़ा है। तो दिस इज द यार, ये हमारा हाल है ग्लोबली, शर्म के मुकाम है सीरियसली। और मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि से नो टू करप्शन, कि करप्शन को कुछ नहीं कहना, करप्ट अनासर को कुछ कहना यार, यार एक दफा पकड़ के उनको चौराहे में सजा दी जाए। चाइना में क्या होता है, जो भी करप्शन करता है उसको सजाए मौत है, कैपिटल पनिशमेंट है उसके लिए, करप्शन वाले के लिए, ना कि जिसने किसी का कत्ल किया हो या किसी का रेप किया हो, ना 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 ना, ना। चाइना का ये रूल है कि जो भी करप्शन करेगा गवर्नमेंट लेवल पर उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत। तो यार अगर ऐसे ही हम भी कोई 15-20 करप्ट ऑफिसर लटका देना, करप्शन पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत ऊपर जाएगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, शेयर ना ही करना, रीजन बिहाइंड के पाकिस्तान की बदनामी है सीरियसली। और अगर चैनल पर नहीं है तो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे न्यू नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।